एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज काम काफ़ी ज़्यादा था तो लेट हो गए हैं, तो बस बाकी सारा काम कर दिया है। आप बोल रहे थे आलू के पराठे बनाना, तो आलू वगैरह बॉईल करके मैश करके सब कुछ रख दिया। अब आटा गूँथेंगे। आटा इसलिए नहीं गूँथा क्योंकि सुबह सुबह हम गाय के लिए, गाय की पहली रोटी निकालते हैं। वहाँ पर गाय नहीं थी, मुंबई में भी नहीं मिलती तो नहीं निकाल पाते थे। अब यहाँ मिलती है तो इसलिए गाय की रोटी निकाल दी थी, तो इसलिए आटा नहीं गूंथा, बाकी सारा काम कर दिया। तो अभी फटाफट से आटा गूंथते और फटाफट से इनको पराठा बना देते हैं क्योंकि इनकी ड्यूटी है, तो ये जाएंगे। सब लोग आरब को और इनको खाना दे दिया था, ये लोग खा चुके। फिर हम और पीयू लेके आए, तो पराठा थोड़ा कम खाने का मन हो रहा, पता नहीं क्यों आज अच्छा लग रहा पूरी पराठा, तो मैंने अपने लिए ढोकला बनाए या फिर इडली मान लो। और खाना खाने के बाद फिर हम छीलने लगे गाजर। गाजर और गोभी का मिक्स अचार रखेंगे, बाकी मिर्ची वगैरह बाद में अपना कट करके इंस्टेंट डाल देंगे। तो मैंने सोचा काम सारा हो चुका तो चलिए गाजर भी छील ली मैंने, और ये देखो लंबे लंबे टुकड़ों में कट कर लिया है। और धुल के मैंने गोभी, देखो जब मैंने धूप में डाल दिए, फिर मैंने गाजर को धुला गर्म पानी में और गाजर भी। तो अभी देखिए अचार के लिए हमने वो करके रखे थे, बट अभी ये गाजर में अभी भी मॉइस्चर है, पानी है, तो अचार डालेंगे तो ख़राब हो जाएगा। गोभी में भी है तो आज तो नहीं डलेगा, अभी धूप है लेकिन सूखे नहीं है। अब कल और एक बार सुखाएंगे तब शाम को अचार डाल। तो अभी शाम का टाइम है, 4 बजने वाले हैं, तो अभी चलते हैं खाना की तैयारी करते हैं, फिर इनको चाय कॉफ़ी वगैरह देंगे बना के। तो बनाएंगे बैंगन की सब्जी, भरवा बनाते हैं क्योंकि इनकी 6 बजे से ड्यूटी है, तो 6 बजे ये फिर जाएंगे, फिर लेट हो जाती हैं। तो खाना तो हमें टाइम से ही देना पड़ेगा, 6 बजे अगर ये आएंगे तो हमारा 5:30 तक खाना रेडी, 5:30 बजे चले जाएँगे, 5:30 बजे तक खाना रेडी हो जाना चाहिए। सामान बस शुरू कर दिया क्योंकि टाइम ही नहीं पता चलता कब 12 बज जाते, 1 बज जाते और खाते खाते दो, खाना खाते तक 2 बज जाते हैं, फिर वही शाम को काम शुरू हो जाता। तो सबसे पहले मसाला कट करके भून ले, पीस के भून लेते हैं, फिर बैगन का भरमा बनाते हैं। तो गाइस खाना पीना बनाने के बाद हम और पीहू वॉकिंग चले गए थे, ये ड्यूटी चले गए थे, वॉकिंग से आए, अभी खाना पीना कर लिया है। अभी ये इनकी स्कूल यूनिफॉर्म है, प्रेस करते हैं और प्रेस करने के बाद फिर सोएंगे क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, टाइम ही नहीं मिलता यहाँ पे। तो जब से इस क्वार्टर में आए इतना काम है क्योंकि झाड़ू पोंछा ही में 1.5-2 घंटे लग जाते, इतना बड़ा है तो टाइम ही नहीं मिल पाता किसी भी चीज़ का। बहुत कुछ सोचते हैं करने को, जैसे सिलाई वगैरह है, बहुत कुछ सोचते नहीं हो पाता। चलो देखते हैं, कोशिश करेंगे मिल जाए टाइम। और आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए।